थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि थोड़ा सा पेन कम हो। पूरी प्रोटीन से भरी हुई होगी। बाकी देखो सोयाबीन किस तरह लग रही है, अच्छी लग रही ना? ये मुझे तो कल ऐसा लगा मेरी सर की नसी फट जाएगी। बच्चे हो जाने के बाद उनके बारे में सोचना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई उस चीज़ की, ठीक है? और बस मैं नाश्ता ही कर रही थी अभी, घर के सब काम वाम हो गए, ऑफिस का करना है, लेकिन अभी पहले नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद। और कुकू और जहल वहाँ पे दोनों अपना नाश्ता कर रहे हैं, मतलब जहल करा रही है कुकू को और कार्टून देख रही है वो। और ये रहा मेरा नाश्ता, पोहा बनाया आज मैंने और थोड़ी सी चाय बनाई है क्योंकि मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में भी, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा चाय पी लेती हूँ। थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है ताकि थोड़ा सा पेन कम हो। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है पैरों में, खासकर बहुत दर्द हो रहा है। ये जो पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये चीज़ जो होती है ये इतना पेन कर रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बता भी नहीं सकती, मतलब इतना पेन हो रहा है। बस अभी फटाफट नाश्ता करते हैं, काम करते हैं हमें, ठीक है? हिम्मत करके काम करना पड़ता है गाइस, तो हिम्मत रखो। जय माता दी। बाय मेरे लड्डू। मुची 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 मुची, आपके पैर नीचे हुए मम्मा ने, लाओ पैर दिखाओ। जय माता दी, जय माता दी। कुकु जय जय कैसे कहते? जय जय। हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। जय जय, जय माता दी। बाय बाय मेरा गुड्डू। सुसु करेगी नहीं वैसे, तो बाय बाय। ये जो खुल गया। गुड आफ्टरनून गाइस, और अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, मैं खाना बनाने आ चुकी हूँ, ठीक है? आज एक और सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और पूरी प्रोटीन से भरी हुई होगी। तो आज सब्जी रोटी बना रही हूँ सिंपल, तो सब्जी दिखा देती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ, ठीक है? आज मैं बना रही हूँ वड़ी और आलू की सब्जी। बेसिकली तो ये मैं आशीष के लिए बनाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा उनको, और आलू फैट देता है, लेकिन आलू मैं गेर देती हूँ, एक ही आलू गेर रही हूँ बहुत बड़ा सा, ठीक है? वो काट के मैंने साइड में रख दिया, धो दिया। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे भिगे हुए, ठीक है? तो अभी मैंने सब तैयारी कर ली है। ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और कुछ 2 सूखी लाल मिर्च ली है और तेज़पत्ता लिया है। कुकर मैंने चढ़ा दिया है। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे जल्दी है तो मैं कुकर में सीटी लगा दूंगी। और अब इसमें तेल गिरते हैं, कुकर गर्म हो चुका है, ठीक है? और रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आपको, मुझे प्लीज़ कमेंट करा करो। एक बंदा या 2 घंटे भी कमेंट करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मैं रेसिपी अब दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो शायद कुछ ठीक कर रही हूँ। थोड़ी बहुत गलती देखो हो जाती है बोलने में या फिर बनाने में, लेकिन मेरी जो वो है ना नीयत अच्छी है कि मतलब आप लोग देखो और आपको लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के लिए कर रही हूँ सब कुछ, ठीक है? तो बस अभी करते हैं, तेल गिरते हैं इसमें। तो गाइस तेल गिर दिया मैंने, तेल अभी गर्म होएगा। और इससे पहले ना आप ये देख लो, इस लड़की को सुबह नहा मिला के अच्छे से तैयार करके मैं रखती हूँ और ये अपनी हालत ऐसे करती है खाते हुए। खिलाने बैठो तो खुद से, मेरे हाथ से खाएगी नहीं, और खुद से खाएगी तो ऐसे करेगी, क्या ही करें हम। कहाँ जाए मम्मा, कहाँ जाए। चलो तेल गर्म हो गया, अभी खाना बनाते हैं, ठीक है? Later. अब गाइस मैं क्या करती हूँ कि सोयाबीन को ना, ये जो प्याज भून लिया ना, इसी प्याज के साथ गेर दूंगी, तो सोयाबीन का पानी निचोड़ के गेरना होता है। अब मैंने पानी में भिगो रखी थी, पहले मसाला दानी साइड करो। अब इसको जो ये पानी है ना, इनको अच्छे से निचोड़ के और डायरेक्ट इसमें गेर दो, और इसको ना प्याज के साथ ही भूनना है धीमी आँच पे। इससे क्या होता है कि जो प्याज का फ्लेवर होगा ना वो सोयाबीन में अच्छे से चला जाएगा, और वो अच्छे से भून जाएगी तो इसका टेस्ट अलग आता है थोड़ा सा। ये ट्रिक मेरी मम्मी की है, काफ़ी लोग करते भी होंगे और काफ़ी लोग नहीं भी करते, तो मैं तो करती हूँ ऐसा, बाकी आप पे डिपेंड है, आप कैसे भी इसको वो कर सकते हो।
तो गाइस देखो थोड़ा थोड़ा ये भुनना स्टार्ट हो चुकी है सोयाबीन, ठीक है, प्याज के साथ साथ ही थोड़ा जैसे तेल कम गिर गया, इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा होना तो ये और भी अच्छे से भुन जाती है। और ये मेरी औलाद यहाँ आके खड़ी हुई है, वो भी जो गेहूँ का वो आटे का हुआ है ना डब्बा मेरा, उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। अब वो चक्कू लग जाएगा आपके बेटे, चक्कू लग जाएगा, इधर दो वापस मम्मा को। तो गाइस ये जैसे भुन गई है ना थोड़ी थोड़ी सी, अब इसमें टमाटर गेर दो, ये काट दिए मैंने टमाटर ले। तो गाइस मैंने इसमें थोड़ा पानी गिर दिया मसाले के साथ, ठीक है, अब इस मसाले को थोड़ा भूनना है ताकि मसाला जो है ना पूरा सोयाबीन में चला जाए अच्छे से। तो अब इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद 2 से 3 मिनट पका लेते हैं, ठीक है। तो गाइस मसाला भी भून रहा है और जब तक हमारे पास टाइम है तब तक हम सलाद काट लेते हैं, ठीक है, जब तक मसाला भूनेगा। तो ऐसे काम जल्दी भी हो जाता है और बस जल्दी हो जाता है और क्या। सही में बताऊँ जिस लड़की ने कभी घर में काम ना किया हो और उसको ये सब काम करना पड़े, उसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है लेकिन उसके बाद फिर आदत हो जाती है अपने आप ही। तो पहले मैं बहुत धीरे धीरे काम करती अभी भी हूँ, लेकिन ऐसा है कि जब मुझे तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा धीरे धीरे काम, लेकिन जब पता हो कि टाइम बहुत कम है और सारे काम करना है तो करना भी पड़ता है। बाकी यार हाउसवाइफ की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट है, लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ कुछ करती नहीं है, खासकर लेडीज़ को ही लगता है, पता है लेडीज़ ही लेडीज़ का साथ नहीं देती है तो वहाँ बुरा लगता है। तो खैर छोड़ो, मैं कभी भी भगवान से अब लड़की वाली लाइफ तो कभी नहीं मांगने वाली हूँ, भगवान मुझे इंसान मत बनाना, कुछ भी बना देना इंसान मत बनाना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टीज़ है यार सब में, मतलब लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी, इंसान जब पैदा होता है ना उसके बाद से उसकी डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है, तो हमसे ना हो पाएगा आगे, ये जी रहे हैं वो बहुत है, ठीक है। अभी सलाद काट लेते हैं, ठीक है, बातें कम करते हैं। तो गाइस मसाला देख लेते हैं और आप देखोगे सोयाबीन का साइज़ भी बढ़ चुका है, ठीक है, इनमें पानी भर गया अच्छे से, मसाला भर गया। तो अब हम इसमें आलू गिरेंगे और पानी गिरेंगे और सीटी लगवा देंगे, ठीक है। तो पानी भी थोड़ा भाप में उड़ गया, बाकी देखो सोयाबीन किस तरह लग रही है, अच्छी लग रही ना, ये मतलब ये मानो कि ये पूरी तरह से गल चुकी है, आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन अभी है ना क्या कहते हैं मसाला उस अकॉर्डिंग गिरा रहा है कि मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा मतलब पानी थोड़ा, मुझे रसेदार बनानी है सब्ज़ी तो इस वजह से मैंने मसाले थोड़े ज़्यादा गिरे। अगर किसी को ऐसी ही सोयाबीन खानी हो तो इसमें मसाले थोड़े कम गिरो और ऐसे भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेंगे और प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा। अब आलू मैं क्यों गिर रही हूँ मैं बता देती हूँ, आलू ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि कुकू भी खा लेती है आलू, सोयाबीन उसको पसंद नहीं है, तो आलू मैं उसको दे देती हूँ थोड़ा खाने के लिए और थोड़ा मैं भी खा लेती हूँ। आशीष थोड़ा आलू अवॉइड करते हैं क्योंकि आलू में थोड़ा फैट होता है, फैटी होता है, तो जिससे वो डाइट कर रहे हैं अपनी मतलब फॉलो कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग उन्हें आलू नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बाकी काम करते करते मैंने आटा भी छान लिया था और सलाद भी काट दी थी, तो ये काम हो गए। अब इसमें फटाफट से आलू गिरती हूँ, पानी गिरती हूँ, देन इसमें सीटी लगवा दे और कुछ नहीं करना, बस सब्जी हो गई तैयार, आटा गूंदेंगे और रोटी बनेगी, तो खाना मेरा रेडी। ऐसे ही करती हूँ मैं हर रोज़ ऐसे ही करती हूँ, और आप शायद बोर भी हो जाते होंगे देखते देखते कि हर रोज़ तो यही करती है और क्या दिखाती है। तो यार यही होती है हाउसवाइफ की लाइफ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ दिखा भी नहीं सकती, यही होती है, ठीक है। A few moments later. तो गाइस खाना पूरी तरह से रेडी हो चुका है, रोटी बना दी मैंने ये रही, ठीक है, सब्जी भी बन चुकी है, अभी वो भाप में है तो उसका कुकर मतलब ढक्कन नहीं खोला मैंने अभी कुकर का। बाकी देखो टाइम देख लो 2 बज चुके हैं और मुझे लगा था मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे, मैंने खाना वाना सब रेडी कर दिया पर वो तब तक आए नहीं, और जिस दिन मुझे ऑफिस का काम होता है और मुझे लेट हो रहा था ना खाना बनाने में उस दिन जल्दी आ जाते हैं। तो मतलब हमारे घर में ना उल्टी गंगा बहती है, तो आप लोगों के घर में भी ऐसे होता है तो बताना ज़रूर, ठीक है, मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, वो जब जब मैं खाना जल्दी बना दूँगी तब तो वो लेट करेंगे ऑफिस ड्यूटी से आने में, और जिस दिन मुझे लेट होगा ना मुझे काम होगा उस दिन वो जल्दी आ जाते हैं। खैर छोड़ो ये काम हो चुके हैं और थोड़े से बर्तन है वो धो लेती हूँ फटाफट, शाम को काम थोड़ा कम होगा मेरा। कहाँ रह गए पापा, बुलाओ पापा को, पापा पापा जी पापा 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 जी पापा आगे पापा पापा आगे जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी 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 भागो जल्दी भागो जल्दी भागो आगे पापा पापा आगे पापा खोलो 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 खोलो
कहाँ रह गए थे भैया आज? अरे यार अभी दोबारा भी जाना है पता है। दोबारा भी जाना है पापा को ड्यूटी। गले लगो पापा के, गले लग जा। गले कौन लगेगा, जाओ जल्दी गले लगो, जल्दी जाओ। आ जाओ। तो गाइस जैसे कि आशीष आ चुके हैं, तो मैंने कुकर तब तक खोला नहीं था, मतलब हाँ तब तक खोला नहीं था, अब खोल रही हूँ। खुल जाओ खुल जाओ, सब्जी देखे कैसे बनी है। और धनिया ख़त्म हो रहा है गाइस, वरना मैं धनिया गिर देती। देखो सोयाबीन ऊपर ही ऊपर चमक रही है। तो ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो, धनिया होता तो और भी मज़ा आता। अब हम खाना खाएंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। मैंने इसमें 4 सीटी लगवाई थी, अच्छे से पक गया अभी। चलो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? और अभी शाम हो चुकी है, अभी कोको को सब खाना पीना सब खिला दिया, मतलब दूध खिला दिया, पेट भर गया उसका, और मेरे काम वाम भी सब हो गए, ऑफिस का भी और घर के भी। तो थोड़ा सा बाहर घुमाने ले जा रही हूँ, 7 बजने वाले होंगे करीब। आशीष ना दोबारा ड्यूटी जा चुके थे तभी 3:30 बजे करीब ही, तो वो आएंगे थोड़ी देर में, फिर खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी, ठीक है। तो तबीयत पहले से ठीक है मेरी, आज थोड़ा कम पेन हुआ। हाँ जी आज थोड़ा कम पेन हुआ, लेकिन ये है कि दर्द तो है यार, थोड़े दिन तो रहता ही है। और सर हाँ कल रात बहुत दर्द हुआ यार, सर में इतना दर्द हुआ, मैं तो बताने भूल गई, इतना दर्द हुआ मुझे, ऐसा लग रहा है कि मेरे सर की कोई नस ना इतनी फड़फड़ फड़फड़ कर रही है, बहुत तेज़ हार्ट बीट नहीं होती जैसे वैसे कर रही है, और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ यार, इतना पेन हो रहा था मुझे कल रात। लेकिन फिर मैंने दवाई ली, दवाई लेके फिर मैं सो गई, और सोने के बाद सुबह उठी, फिर वही अपने रूटीन में काम तो करना ही था ना, तो पेट में दर्द हो रहा था लेकिन सर में नहीं हो रहा था। लेकिन अभी भी पेट में भी कम है और सर में तो है ही नहीं, चलो ठीक है। मुझे तो कल ऐसा लगा मेरी सर की नसें फट जाएगी, सच में बहुत पेन हो रहा था मुझे कल, पता नहीं क्यों। बस इसको सैंडविच बना दिए, चलो बाहर तक घूम के आते हैं, थोड़ा घूम के क्या मतलब थोड़ा बाहर ही बैठेंगे और बस फिर वापस आ जाएंगे अपना। बाहर जाने, बाहर जाने कुकु? हाँ बोलो, कुछ नहीं बोलना, बस जाना है तो मैं उतारूँगी। आराम से आराम से, गुड़िया मेरी, मेरा गुड्डा छोटा सा। ओ भाई बहुत तेज हवा चल रही है यार, और ये हवा ना धूल लाती है घर में, और कुछ नहीं लाती। चलो खेल लो। One hour later. हाँ लेट जा लेट जा, यही चीज मेरी लेट जा। देखिए कोई मान भी रही है बात को मेरी। कुकु उठ उठ जल्दी उठो, देख गोबर था वहां पे सूखा हुआ, गंदी बात बेटा। कुकु चलो घर लेके जा रही मम्मा, चलो घर घर चलो घर चले, कुकु घर चले बेटा, ओए घर चले बेटा, घर पे आ चुके हैं और मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि उन्हें भूख लग रही है, तो थोड़ा जल्दी मैं खाना बना रही हूँ। सोचा तो कुछ और था पर उन्हें भूख लग रही है तो बनाने पड़ रहे हैं, बेसन के चीले बना रही हूँ बेसिकली तो मैं, ठीक है। और थोड़ा थके हुए हैं तो फटाफट खाना मांग रहे हैं, तो ये बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ओके। One hour later. चल मेरा पुत्र रे, ओए ओए चल मेरा पुत्र रे, ओए ओए चल मेरा पुत्र रे, ओए ओए ओए। आशीष भी कर रहे गाइस, हमारा खाना वाना हो गया, हम थोड़ा बाहर घूम के आ रहे बाइक पे। चल मेरा पुत्र रे, ओए ओए चल मेरा पुत्र रे, मैं ऐसी गाल लग गई तो कुकु डांस कर रही है। कुकु चल मेरा पुत्र रे, ओए ओए करो डांस करो, ताली मारो ताली, चल मेरा पुत्र रे, ओए ओए मेरा जोना लड्डू। चलो सैंडल पहन लो अपनी। तो गाइस कुकु को घुमाने के लिए हम लोग निकले हैं बाइक पे, बेचारी परेशान सी कर रही थी, सोचा इसे घुमा लाते हैं। आगे बैठी हो ना पापा के पास ही, क्या उन्हें खिलाएं, पूरा टाइम यही सोचती रहती हूँ। और आशीष भी मेरे साथ बेचारे
लगे रहते हैं। थके आए थे लेकिन अभी लेके जा रहे हैं, बोला थोड़ा घुमा के ले आते हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना जानू, यही बात है ना। कोई नहीं, आप सो जाना जाके फिर सीधा। गई तो मेरे इधर ये पंजाबी ढाबा खुला है, मैंने कभी खाना तो नहीं खाया है यहाँ का, लेकिन खुला है अभी नया नया ना। तो गाइस बहुत दिनों बाद सोडा पीने आए हैं आज, काफी दिन हो गए थे और काफी महीने हो गए थे। कुकू कहाँ जा रहे हो बेटा? उनके पास जा रही है। आशीष का ही मन था पीने का तो उन्होंने पूछा मेरे से, मैंने बोल दिया ठीक है ले ले, ले लेते हैं। आ गया अपना नींबू सोडा, पीते हैं चलो। ये तो अपना वही फेमस कह रही, सॉरी अपना फेवरेट पी रहे, मुझे ये वाला पसंद है। पसंद मुझे वो भी है लेकिन वो थोड़ा ना जल्दी पीना पड़ता है, मैं इसे आराम से पीऊंगी सिप करते हुए। A few moments later. तो गाइस सोडा पी लिया हम लोगों ने, अब हम घर जा रहे हैं।